इसके पहले का वीडियो देखा, अच्छे से पूरा देखा, अनुवाद समझ में आ गया, कहानी थी ना एक, है ना। कहानी में क्या शिक्षा मिलती है अपन को, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। कहानी क्या है, एक ब्रह्म वन में एक हाथी रहता था। उस वन में बहुत से सियार भी रहते थे। उनमें से एक सियार ने कहा कि इस हाथी को अगर मार दिया जाए तो एक महीने तक हम इसका मांस खा सकते हैं। तभी एक वृद्ध सियार ने कहा कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि से हम सब कुछ कर सकते हैं। तब सियार गया हाथी के पास, तो नमस्कार करा, उसको बोला जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन राजा कोई नहीं है। लेकिन सबने हम सबने सभा करके मीटिंग करके सोचा है कि आपको क्या बनाया जाए, राजा, तो आपको राजा बनाया, हम ठीक है। तो ये सुन के हाथी बहुत खुश हो गया। तब सियार उसको, सियार ने पहले से क्या कर रखा था हम बता रहे, उसमें लिखा नहीं, उसमें एक गड्ढा बना लिया, कीचड़ वाला गड्ढा था, और वहां पे उसको हाथी को अपने साथ लेके आ गया। जैसे ही गड्ढे के पास हाथी पहुंचा, गड्ढे कीचड़ वाले गड्ढे में वह गिर गया। तब हाथी कहने लगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब शेर ने कहा पूंछ पकड़ के ऊपर आ जाओ। तभी हाथी समझ गया कि शेर ने मुझे ठगा है, और तब उसको समझ में आ गया शेर इसी का है कि कोई भी काम हमें कैसे लेना चाहिए, बुद्धि से विवेक से करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आ जाना चाहिए। कोई अपनी तारीफ कर रहा तो अपन सोचे हम बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, कोई झूठी हुई तारीफ करता, इसलिए अपन को अपनी विवेक से बुद्धि से काम लेना है। चलिए अपन इतने क्वेश्चन कर लिए थे, एक और दो, एक पदेर वाले भी कर लिए थे, पूर्ण पदेर वाले भी। अब इसके आगे है पेज नंबर 202 में, 202 में क्या है, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करिए। अब हमने बार बार आपको बताया है जब कोई भी हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हमें क्या करना है, जब पूरा हो जाता है तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। जब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहेगा तभी वह आपका प्रश्न बनेगा, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पहले वाले प्रश्न में एका गजा बस्ती स्म, अब ये को आंसर है कि एक हाथी वहां पे रहता था। तो इसमें रेखांक की जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन जैसे गजा, गजा की जगह अपन को क्या यूज करना है, कहा करेंगे, जैसे एक कहा पृष्ठवान, एक कहा रेखांकित वाला है, एक गजा, ध्यान दीजिए, अब इसमें आ जाएगा एक कहा, ध्यान दो, एक गजा स्मृति, तो एक की जगह गया क्या, तो क्या की जगह यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे कहा एक की जगह एक है ना, एक की जगह एक केवल गजा की जगह हमको कहा लिखना है, फिर बस्ती की जगह हमको बस्ती लिखना है, स्मृति जगह स्मरण लिखना है, पूरा अपना वही की वही है। अपन को केवल जो अंडरलाइन है उसी को ठीक करना है, उसी को चेंज करना, बाकी वही लिखना है। दूसरा गजा शगालम पृष्ठवान, तो इसमें शगालम की जगह अपन को केवल कम लिखना है, गजा कम पृष्ठवान, है ना, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। तीसरा नंबर है अश्विन बने बहवा जनत्वा बस्ती, वन में बहुत से रहते थे, इसमें जनत्व की जगह अपन को क्या करना है, कौन सी चीज लिखना के लिए आएगा, तो अश्विन की जगह अश्विन आ जाएगा, बने की जगह बने आ जाएगा, बहवा की जगह बहवा आएगा, केवल यहाँ के आएगा, बस्ती और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। फिर धाम वाला है गजा तस्वीर करके आपता, तो तस्वीर करके गड्ढे में कौन कैसे दे रहा, तो गजा तस्वीर, तस्वीर की जगह क्या आ जाएगा, कश्मीर, कश्मीर की जगह क्या जाएगा, कश्मीर, क्या जाएगा, कश्मीर, गजा कश्मीर का।
मंजूषा मतलब एक पेटी रहती, मंजूषा का मतलब होता पेटी, पेटी में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, उसकी सहायता से हमको पूरा करना है। तो तंत्र की गजा पहले नंबर पे आएगा, तो अपन ने पहले नंबर पे गजा भर लिया है। तंत्र गजा अन्वेषयन सह गजस्य, तो अपन गजा की नीचे यहाँ अंडरलाइन कर देंगे, हम तो आपको समझ आएगा अपन ने ये वाली चीज भरी है। तो अन्वेषण सह गजस्य, गजसा समीप गजे की सही तत्व जाकर सा नमस्कार किया, जो संस्कृत में पद दिए हैं उसका हमें मूल शब्द लिखना है, उसकी व्यक्ति लिखना है, उसका वचन लिखना, कौन सा वचन है क्या है। तो पहला शब्द दिया है पद परिचय, इसको कहते हैं पद परिचय, इसका पद का परिचय दीजिए। शगाला, तो शगाला जाएगा इसकी मूल शब्द है और प्रथमा व्यक्ति होगी और बहुवचन। देखो हमने लिखा है यहाँ पर शगाल प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। दूसरा है सभायाम, इसका सभा शब्द हो गया और इसका द्वितीय हो गया और एक वचन। तेषाम का हो गया तत्, तत् इसका मूल शब्द हो गया, फिर षष्ठी व्यक्ति है और बहुवचन। फिर गर्ते का गर्त आ गया, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, गर्त्या गर्त पंचमी व्यक्ति और एक वचन। इस तरह से अपना ये पद परिचय हुआ। अब इसके बाद है पेज नंबर 203 में प्रकृति प्रत्यय विभाग, इसका प्रकृति का जो अपन है इसका प्रत्यय है, इसे प्रत्यय में अलग अलग करना, प्रकृति प्रत्यय विभाग, विभाग मतलब उसको विच्छेद करना, अलग करना है। जैसे खाद तुम, तो खाद प्लस तुमुन, अभी जो हमने बोर्ड पर लिखा समझा रहे हैं। ग्रहित्वा ग्रह प्लस कृत्वा, श्रुत्वा शुधन कृत्वा, गत्वा गम धन गत्वा, फिर कृत्वा क्राधन कृत्वा, नीत्वा निधन कृत्वा। इस तरह से जो अपने प्रत्यय होगा, इसके बाद खालिस्तान आएंगे, उस खालिस्तान को करना है। पहले वाले में आएगा एकदा, एकदा मतलब एक बार। दूसरे में आएगा शगालहा, फिर तीसरे में आएगा अत्र, चौथे में आएगा वही, और यदि गणराज वाले में त्रही। इस तरह से हो जाएगा मेज ऑफ फॉलिंग, तदंतर मतलब उसके बाद, तदंतर मतलब उसके बाद, दयाम दया करो, ग्रहित्वा पकड़कर, त्रही तब। इस तरह से प्रज्ञ हुआ है। अब देखो सुनो, आपको एक चीज बताते हैं हम, जो व्यक्ति पढ़ता है लिखता है और प्रश्न भी पूछता है वह क्या होता है, और जो बुद्धिमान से पूछेगा प्रश्न वो उसकी क्या होती, बुद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, जैसे सूर्य की किरणों से, सूरज जब खिलता उठता है तो कमल की फूल की पंखुड़ी बिल्कुल खिल जाती है, इसी तरह आपको भी अपनी बुद्धि का बढ़ाना है। तो आपको कोई डाउट होता है, कुछ पढ़ो पूछना है तो पूरी अच्छी तरह से आप पूछो, डाउट ढूंढ के पूछो टीचर से, तब आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं सोचो संकोच मत करो, आपको समझ में नहीं आता बार बार पूछो, टीचर का दायित्व है उसको अपने शिष्य को चेले को पूरा उसको जो डाउट है उसका निराकरण करना उसका फर्ज है, तो आप पूरा करेगा। इसलिए अच्छे समझो, नहीं आता समझ में तो वापस समझाएंगे हम, ठीक है। ध्यान बाय।